जिला पठानकोट के बमयाल बॉर्डर में बीते दिन सुबह 6 बजे भारत पाकिस्तान सीमा पर एक पाकिस्तानी ड्रोन देखने का मामला सामने आया है, जहां बीएसएफ की ओर से जब फायरिंग की गई तो ड्रोन पाकिस्तान की ओर वापस चला गया। घटना की सूचना मिलने के उपरांत पुलिस की ओर से क्षेत्र में सर्च अभियान चलाया गया। वहीं पुलिस को अभी तक अभियान में कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। सर्च अभियान में डीएसपी ऑपरेशन सुजिंदर सिंह, थाना मुखी पुष्पेंद्र सिंह, चौकी इंचार्ज तरसेम सिंह, इंस्पेक्टर ऑपरेशन राजेश कुमार के अलावा कमांडो दस्ते और बीएसएफ की ओर से संयुक्त तौर पर सर्च की गई। वहीं जानकारी देते हुए डीएसपी ऑपरेशन ने बताया कि ड्रोन देखे जाने की घटना की सूचना मिलने पर सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया है। फिलहाल कोई भी संदिग्ध वस्तु नहीं मिली है। इस तरह के सर 6 बजे के करीब मैसेज आया सीगा बीएसएफ वालों कि इस तरह कोई एक्टिविटीज देखी गई है, तो उससे फिर संबंध के अपने सीनियर ऑफिसर एसएसपी साहब के हुक्म मुताबक आप इतने सर्च अभियान जो जॉइंटली शुरू किया जिस बीएसएफ अपनी स्वैट टीम, घातक टीम और कमांडर्स वगैरह जो अपने नाल है सारी फोर्स वगैरह उन्होंने लैके अपना सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं ता जो इलाके में अच्छी तरह छानिया जा सके। सो बाकी जो भी गल होगी तुम दस सकते हैं। पठानकोट तो कैमरामैन अभिषेक भारद्वाज के नाल अजय सैनी की रिपोर्ट।